गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर्यन सिविल क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है, तीन सेशन समाप्त हो चुके हैं, आज है चौथा सेशन। तो ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए यूपी पुलिस और बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चलने वाला है। तो हम इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि स्टार्ट करते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है जातीय जनगणना पर आधारित, जातीय जनगणना पर आधारित। प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में? प्रश्न बनेगा कि बिहार जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य बना। बिहार जो है पूरे भारत में पहला राज्य बना जो कि जातीय जनगणना कराया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जनगणना का रिपोर्ट कब आया। रिपोर्ट आया है, जनगणना का रिपोर्ट आया है 2 अक्टूबर 2023 को। 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जाति में सर्वाधिक यादों, इनकी संख्या है 14.27% जाति में सर्वाधिक मात्रा में यादवों की संख्या है। कितना परसेंट? 14.2%। और अगर पूछेगा वर्ग के आधार पर, वर्ग मतलब कैटेगरी के आधार पर, कि कैटेगरी के आधार पर कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा है, तो कैटेगरी के आधार पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसको बोलते हैं EBC। क्या बोलते हैं? EBC। और वर्ग के आधार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा संख्या में है। इनका कितना परसेंट है? तो 36.01%। इनकी आबादी कितना है? 36.01%। अगर कहेगा जाति हो गया, वर्ग हो गया, अगर धर्म के आधार पर कहेगा तो धर्म के आधार पर हिंदू धर्म की संख्या सर्वाधिक है। धर्म के आधार पर हिंदू धर्म की संख्या सबसे क्या है? अधिक है। धर्म के आधार पर हिंदू धर्म सर्वाधिक संख्या में है और इनका परसेंट लगभग आता है 81%। ठीक है, तो इतना प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में, जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखेंगे एक बार और, जातीय जनगणना, तो बिहार में जातीय जनगणना करने वाला पहला राज्य बना है। रिपोर्ट कब आया है? 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट जारी हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जाति जो है यादव के कितना परसेंट? 14.2%। वर्ग कैटेगरी की बात करेगा तो कैटेगरी में सबसे बड़ा आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, EBC जिसे बोलते हैं, 36.01%। और धर्म पर कहेगा तो धर्म सर्वाधिक हिंदू धर्म का है, 81%। अब देखेंगे कुछ स्टैटिक जीके का प्रश्न कि क्या बनेगा आपके एग्जाम में। क्या बनेगा प्रश्न? सीधे सीधे पूछ लेगा कि भारत में पहला जनगणना कब हुआ था। भारत में पहला जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और ये भी प्रश्न पूछेगा आपसे कि भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में पहली बार दशकीय जनगणना 1881 से निरंतर चल रहा है, 1881 से निरंतर चल रहा है। और पहली दशकीय जनगणना जो हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। और क्या प्रश्न पूछेगा कि अब तक भारत में कुल कितने बार जनगणना हो चुका है। तो भारत में कुल अब तक 15 बार जनगणना हो चुका है। और क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में
स्वतंत्र भारत में अब तक कुल कितने बार, तो 7 बार जनगणना हो चुका है। और क्या प्रश्न बनेगा जनगणना से? जनगणना से प्रश्न बनेगा कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो महान विभाजक वर्ष सन 1921 ईस्वी को कहा जाता है। इस 10 साल में 1911 से 1921 के बीच में सर्वाधिक परसेंटेज कमी आई थी, लगभग भारत की आबादी में 77 लाख की कमी आई थी, इसी वजह से इसको महान विभाजक वर्ष कहा गया। तो एक बार पुनः देखेंगे स्टैटिक जीके का प्रश्न कि भारत में पहला जनगणना तो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और प्रश्न बनेगा कि भारत में पहली बार दशकीय जनगणना, तो भारत में पहली बार दशकीय जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। कुल भारत में अब तक कितना बार जनगणना हो चुका है, तो भारत में अब तक कुल 15 बार जनगणना हो चुका है। और स्वतंत्र भारत में कहेगा तो स्वतंत्र भारत में अब तक कुल 7 बार जनगणना हो चुका है। प्रश्न बनेगा कि किस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, तो सन 1921 को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कट गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न बनेगा गंगा डॉल्फिन से। प्रश्न क्या बनेगा? गंगा डॉल्फिन से प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जंतु घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जंतु घोषित किया गया है। तो देखते हैं, ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? डॉल्फिन जो है मीठे पानी में इसका निवास होता है। मीठे पानी में इसका निवास होता है और गंगा का जल जो होता है मीठा होता है, इसी वजह से गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। तो इसका निवास स्थान बताइए, मीठे पानी में इसका निवास स्थान होता है। अब देखो, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने जलीय जंतु घोषित किया है। कब घोषित किया है? तो 2023 में घोषित किया गया। अब ये प्रश्न बनेगा डॉल्फिन से कि भारत सरकार ने कब इसको जलीय जंतु घोषित किया था? तो भारत सरकार ने जलीय जंतु घोषित किया सन 2010 में। यूपी सरकार ने घोषित किया अपने राज्य का जलीय जंतु सन 2023 में, और केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को जलीय जंतु घोषित किया वर्ष 2010 में। अब देखो, डॉल्फिन से संदर्भित और क्या प्रश्न बनेगा कि डॉल्फिन जो है किन और राज्यों का जलीय जंतु है? किन दो और राज्यों का जलीय जंतु है? तो यह जो है और दो राज्य असम का और पंजाब का, ये दो राज्यों का जलीय जंतु भी है, असम का और पंजाब का। अब हो गया उत्तर प्रदेश का। प्रश्न और बनेगा यहाँ से डॉल्फिन से संदर्भित प्रश्न ये बनेगा कि इसको कहा जाता है डॉल्फिन को हाँ टाइगर ऑफ द गंगा, इसको किस उपनाम से जाना जाता है? डॉल्फिन को जाना जाता है टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से, टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से। तो डॉल्फिन को किस उपनाम से जाना जाता है? टाइगर ऑफ द गंगा के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न और क्या बनेगा, जैसे मछली से संदर्भित प्रश्न और क्या बनेगा कि अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली, तब आंसर लगाएंगे चितला। क्या लगाएंगे? चितला, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली पूछेगा तो चितला, और उत्तर प्रदेश का जलीय जंतु पूछेगा तो डॉल्फिन, ठीक है। और देखो, मछली से संदर्भित प्रश्न क्या पूछेगा आपके करंट अफेयर्स में, ये भी लेटेस्ट प्रश्न बनेगा कि घोल मछली को किस राज्य सरकार ने अपना राजकीय मछली घोषित किया? तो घोल मछली जो है इसको गुजरात सरकार ने राजकीय मछली घोषित किया
मछली घोषित किया। ठीक है, तो देखेंगे। और प्रश्न आपका बनेगा कि बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली है देसी मांगुर। देसी मांगुर, तो एक बार पुनः देखते हैं। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जंतु घोषित किया गया है। प्रश्न क्या बनेगा कि कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2023 में। और भारत सरकार ने कब घोषित कर दिया था जलीय जंतु? सन 2010 में। अब देखो, प्रश्न ये बनेगा कि इसका निवास स्थान कहाँ होता है? तो मीठे पानी में इसका निवास स्थान होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा किन और दो राज्यों का डॉल्फिन जलीय जंतु है? तो असम और पंजाब का। अब देखेंगे कि अगर पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली क्या है, तो आंसर लगाएंगे चितला। जलीय जंतु पूछेगा तो डॉल्फिन, अगर पूछेगा ये आपका करंट में बनेगा घोल मछली, क्योंकि अभी हाल ही में वर्ष 2023 में ही घोल मछली को गुजरात का राजकीय मछली घोषित किया गया। और बिहार का अगर पूछा जाएगा कि बिहार का राजकीय मछली बताइए, तो बिहार का राजकीय मछली क्या होगा? देसी मांगुर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न, देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। योगी जी को क्या, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए इन्हें क्या दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे कि कुछ अन्य प्रश्न और पुरस्कारों से संबंधित, तो पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछेगा। जैसे आप बताएंगे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार, पिछले कक्षाओं में बताया जा चुका है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किन्हें दिया गया है? लोकमान्य तिलक पुरस्कार, तो ये पुरस्कार दिया गया है मोदी जी को। ठीक है, तो देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार तो योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि उत्तर प्रदेश को भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए। और आपसे पूछेगा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोदी जी को दिया गया। मोदी जी के संदर्भ में ये भी पूछेगा कि कितने देशों ने इन्हें हाल में ही अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो इन्हें सर्वोच्च सम्मान कौन कौन दिया है? तो इनको दिया है फिजी ने वर्ष 2023 में, फ्रांस ने, पापुआ न्यू गिनी ने, ठीक है, और कौन सा देश? ग्रीस ने दिया है। फिजी, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार पूछेगा तो मोदी जी को दिया गया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखेंगे सुरेखा यादव से क्या प्रश्न बनेगा। सुरेखा यादव, अब देखेंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने वाली पहली महिला बनी, ये है सुरेखा यादव। तो इनसे प्रश्न बनेगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने वाली पहली महिला तो सुरेखा यादव। और क्या प्रश्न बनेगा? इनसे प्रश्न बनेगा कि यह जो है एशिया की पहली महिला लोको पायलट, अगर सीधे ये भी पूछ लेगा आपसे कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट, तो आपका आंसर क्या होगा? सुरेखा यादव है। कौन है? सुरेखा यादव है। ये एशिया में सन 1989 में ही सहायक लोको पायलट बन गई थी। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट तो सुरेखा यादव, सन 1989 से है। अगर ये प्रश्न पूछेगा आपसे वंदे भारत से संदर्भित कि वंदे भारत ट्रेन भारत में कब से संचालित है, तो वंदे भारत ट्रेन
वंदे भारत ट्रेन भारत में सन 2019 से संचालित है। कब से संचालित है? 2019 से संचालित है। और पहला वंदे भारत ट्रेन पूछेगा तो पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चला था? दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक। ठीक है, देखो प्रश्न क्या बनेगा। सुरेखा यादव से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला, यह भी प्रश्न बनेगा, पूछ लेगा आपसे कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट, तब भी आंसर होगा सुरेखा यादव। सन 1989 में ही सहायक लोको पायलट बन चुकी थी। पूछेगा आपसे कि भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन कब संचालित हुआ, तो 2019 में। पूछेगा आपसे कि पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित हुआ, तो आपका आंसर होगा दिल्ली से वाराणसी तक। आते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे, तो 75वें गणतंत्र दिवस से संदर्भित प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, तो देखेंगे। 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि बने। कौन बने? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बने हैं मुख्य अतिथि। वैसे ये हैं मोदी जी और इमैनुअल मैक्रों। वैसे निमंत्रण दिया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति को, तो अमेरिका के राष्ट्रपति आने से मना कर दिए, तो चीफ गेस्ट किन्हें बनाया गया था? चीफ गेस्ट बनाया गया इमैनुअल मैक्रों को बनाया गया था। अब क्या प्रश्न बनेगा कि कौन से झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया? कौन से झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया? बेस्ट झांकी का अवार्ड 75वें गणतंत्र दिवस में किसको दिया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय की एक झांकी है, संस्कृति मंत्रालय की झांकी है लोकतंत्र जननी झांकी। इसको क्या दिया गया है? बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। तो राष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति कौन थे? चीफ गेस्ट इमैनुअल मैक्रों। और बेस्ट झांकी का अवार्ड पूछेगा तो बेस्ट झांकी का अवार्ड संस्कृति मंत्रालय को दिया गया। किसके लिए? लोकतंत्र जननी के लिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, समान नागरिक संहिता से प्रश्न पूछेगा। समान नागरिक संहिता से प्रश्न क्या पूछेगा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो इससे क्या प्रश्न पूछेगा? जैसे देखेंगे कि UCC समान नागरिक संहिता, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता अपनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना, ठीक है। ये कैसे प्रश्न पूछेगा? जैसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि वैसे ये पहला राज्य नहीं हुआ, ये हुआ दूसरा राज्य। कौन सा? दूसरा राज्य। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य। तब आपका आंसर होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य तब होगा उत्तराखंड। अगर पूछेगा कि पहला राज्य कौन था समान नागरिक संहिता अपनाने वाला, तो पहला राज्य था गोवा में सन 1867 से ही समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये स्वतंत्र भारत का नहीं है, ये स्वतंत्र भारत से पहले का है, और जिसको बोला गया है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता। ये 1867 वाला यहाँ पे क्या लागू है? पुर्तगाली समान नागरिक संहिता को लागू है। और भारत जो है स्वतंत्र भारत में
पहला राज्य क्या बना है? पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है, ठीक है। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है? जिक्र किया गया है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच का है। तो ये राज्य का विषय है और राज्य इस पे कानून बना सकता है, समान नागरिक संहिता पे राज्य स्वतंत्र है कानून बनाने के लिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शिवनादर से प्रश्न पूछेगा, तो देखेंगे शिवनादर कौन है। हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में भारतीय दानकर्ता में शीर्ष पर रहे। ये भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति हैं। भारत का दानवीर व्यक्ति कौन है? शिवनादर है। ये जो है एच सी एल टेक के संस्थापक हैं, और भारत के सबसे दानी व्यक्ति हैं, ठीक है। भारत के सबसे दानी व्यक्ति हैं। लगभग ये वर्ष में 2000 करोड़ रुपए दान कर देते हैं। कितना रुपए? 2000 करोड़ रुपए दान कर देते हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं अजीज प्रेम जी, लगभग 1700 करोड़ रुपए दान करते हैं। और तीसरे स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी, लगभग 300 कुछ करोड़ रुपए वो दान करते हैं, ठीक है। तो मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे बड़े और सबसे रईस व्यक्ति हैं, लेकिन दानकर्ता के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। शिवनादर जो कि वर्ष में 2000 करोड़ रुपए तक दान करते हैं, और औसतन डाटा ये है कि प्रतिदिन लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए दान करते हैं। तो शिवनादर को क्या बोला गया है? शिवनादर को हुरुन इंडिया ने परोपकार सूची 2023 में शीर्ष पर रखा है। भारत का सबसे दानी व्यक्ति है शिवनादर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न बनेगा अंकोरवाट मंदिर से। देखेंगे कहां पर स्थित है अंकोरवाट मंदिर, जो है कंबोडिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर दुनिया का आठवां अजूबा बना है। दुनिया का आठवां अजूबा कहेगा तो अंकोरवाट मंदिर है। कहां पर स्थित है? कंबोडिया में। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रश्न यहां से देखेंगे, अगर ये पूछेगा आपसे कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, पहला सबसे बड़ा कहेगा तो अंकोरवाट मंदिर, और भारत के बाहर हाल ही में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बना है। तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर तो अंकोरवाट मंदिर, और भारत के बाहर दूसरा कहाँ बना है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बना है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जिसको हम क्या किस नाम से जानेंगे? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जो 183 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। और इस मंदिर में लगभग 14,000 से अधिक मूर्तियां हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो अंकोरवाट मंदिर, कहां पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। और भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां बना है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में बना है स्वामी नारायण अक्षरधाम। अगर ये पूछेगा कि कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर कौन बनवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट का कंबोडिया मंदिर को। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है उर्सुला वान डेर लेन से। क्या प्रश्न बनेगा? उर्सुला वान डेर लेन से प्रश्न बनेगा, ये अध्यक्ष हैं। कहाँ के अध्यक्ष हैं? तो यूरोपीय संघ के। ये हैं उर्सुला वान डेर लेन है।
ठीक है, तो इनसे प्रश्न क्या बनेगा कि ये अध्यक्ष हैं, कहाँ के अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष हैं, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर शामिल है। मतलब अगर कहा जाए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला पावर के मामले में तो कौन है, उर्सुला वान डेर लेन है, इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो अब देखेंगे अगर भारत में पूछेगा कि भारत में सबसे शक्तिशाली महिला पावर के मामले में, तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, 32वें स्थान पर है, पूरे विश्व में 32वें स्थान पर है। तो अब देखो यूरोपीय संघ से प्रश्न क्या बनेगा, यूरोपीय संघ से प्रश्न ये बनेगा कि बताओ इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। वर्तमान में कितने देश हैं, वर्तमान में देशों की संख्या बताइए, तो इसमें वर्तमान में कुल कितने देश हैं, तो कुल 27 देश हैं, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में, वर्तमान में देशों की संख्या तो 27 देश हैं। और प्रश्न क्या बनेगा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में, कहाँ पर, ब्रुसेल्स कहाँ है, तो बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो देखेंगे एक बार और, उर्सुला वान डेर लेन अध्यक्ष यूरोपीय संघ की हैं और इन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर रखा गया है, और भारत से कहा जाए कि सबसे शक्तिशाली महिला निर्मला सीतारमण, तो इनको पूरे विश्व में 32वां स्थान दिया गया। अब प्रश्न पूछेगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना तो 1993 में, वर्तमान में देशों की संख्या, तो देशों की संख्या 27 है, और पूछेगा कि यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग से, विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में, क्या प्रश्न पूछेगा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है, भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश बन गया है। देखेंगे चौथा मतलब सबसे शक्तिशाली अमेरिका है, उसके बाद रूस है, इसके बाद चीन आता है, इसके बाद भारत, और इसके बाद पांचवें स्थान पर यूके आता है। तो भारत पूरे विश्व में चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, किस मामले में, सेना के मामले में, सेना के मामले में भारत का स्थान जो है पूरे विश्व में चौथा है। जैसे अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर, और यूके पांचवें स्थान पर, ठीक है। और देखेंगे प्रश्न क्या बनेगा, हाँ प्रश्न ये बनेगा कि भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, इसको लिख लेंगे स्टैटिक जीके में कि भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है, हथियार आयातक देश है, मतलब कि सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में भारत पहले स्थान पर है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में भारत हथियार खरीदने के मामले में पहले स्थान पर है, और सेना में चौथा बड़ा सेना है भारत का। और क्या प्रश्न बनेगा कि भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात कराता है किससे, तो सर्वाधिक आयात भारत कराता है किससे, रूस से कराता है, रूस से लगभग 50% से भी ज्यादा रशिया से भारत हथियार आयात कराता है। तो ठीक है एक बार और देखेंगे, सेना के मामले में चौथे स्थान पर, हथियार आयातक देश में सबसे बड़ा देश है भारत, और पूछेगा कि भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात किस देश से कराता है, तो रूस से कराता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से संदर्भित प्रश्न पूछेगा। जैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और इसकी लंबाई है 296 किलोमीटर लंबा है, और कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 7 जिलों से होकर गुजरता है, और लगभग कितना उत्पादित किया जाएगा बिजली, तो 550 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा,
तो प्रश्न पूछेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बना है, लंबाई कितना है 296 किलोमीटर, कितना जिला से होकर गुजरेगा 7 जिला से होकर गुजरेगा, और कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो 550 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। अब प्रश्न क्या बनेगा, जैसे सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। तो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, 6 संचालित है वर्तमान में और 7 पर काम चल रहा है, टोटल संख्या 13 लगभग हो जाएगा, एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, बस 5 मिनट। अरविंद पनगड़िया से प्रश्न पूछेगा, अरविंद पनगड़िया देखेंगे इनसे क्या प्रश्न पूछेगा, पूछेगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरविंद पनगड़िया बने। अब देखेंगे इनसे संदर्भित प्रश्न क्या पूछेगा, तो इनसे प्रश्न ये पूछेगा कि ये पूछेगा वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में, ठीक है। वित्त आयोग से संदर्भित प्रश्न पूछेगा कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में, और कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो कुल सदस्यों की संख्या एक अध्यक्ष सहित 4 सदस्य, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 5, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आपका आंसर होगा केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष तो केसी नियोगी थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में, 280 में, गठन कब हुआ था, 1951 में, सदस्यों की संख्या 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, पहला पूछेगा तो केसी नियोगी। आते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न, वृंदावन मथुरा से प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा कि भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, यह प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछ भी चुका है, ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि वृंदावन मथुरा क्यों चर्चा में है, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन कौन किए हैं, राजनाथ सिंह, कौन किया है, राजनाथ सिंह। तो भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल पूछेगा तो वृंदावन मथुरा में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, देखेंगे भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है, किन्हें मिला है भूटान का सर्वोच्च सम्मान, तो मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला, जिसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो मोदी जी को एक और अवार्ड मिल गया, कहाँ का, भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिल गया, जिसे हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो। अब देखो भूटान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए, पहले विदेशी व्यक्ति हो गए जिन्हें भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो अन्य पूछेगा कि अन्य और कौन कौन से देशों का अवार्ड मिला है इनको, तो अन्य मिला है इनको वर्ष 2023 में, अभी बता चुके हैं, फिजी का मिला है, फ्रांस का मिला है सर्वोच्च सम्मान, पापुआ न्यू गिनी का मिला है, पापुआ न्यू गिनी का मिला है, ग्रीस का मिल चुका है। तो इतने देशों का, और कहाँ का मिला है, मिस्र का मिल चुका है। ये सारे अवार्ड जो हैं वर्ष 2023 में मोदी जी को
सम्मानित किया गया इन अवार्ड से। ठीक है, तो अभी कहाँ का मिला है, भूटान का सर्वोच्च सम्मान। वर्ष 2023 में कहाँ कहाँ का मिला है, तो फिजी का, फ्रांस का, पापुआ न्यू गिनी, ग्रीस का और मिस्र का अवार्ड मिल चुका है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, समाप्त हो गया, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।